नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों देखिए कितनी प्यारी प्यारी पतंगे हैं, ये सारी पौनी की पतंगे हैं और रामपुर की पतंगे हैं। 15 अगस्त पे मैं इनको नहीं उड़ा पाया था, रह गई थी। ये देखिए बहुत ही प्यारी पतंगे हैं, पौने साइज़ की बड़ी पतंगे। मुझे अफसोस हो रहा है कि इनको मैं पहले नहीं उड़ा पाया, और अफसोस का मेन कारण ये है कि इनकी तीलियों में, देखिए आप, तीली टूट रही है। कारण ये है कि इन तीलियों में कीड़ा लग गया है। ये देखिए, पास से दिखाता हूँ, ये देखिए, और ये टूट गए देखो मोड़ते ही, और ये कीड़ा बाहर आ रहा है। ये देखिए, ये कीड़ा है काला काला सा, इसको मैं झड़ गया नीचे। ये देखिए, ये है कीड़ा, ऐसा लग रहा है ऐसे अपना काम करके ये मर चुका है। और तीलियाँ देखो इसने खा दी है, यहाँ से तो टूटी गई है ये, और देखिए ये देखिए छेद कर दिया इसने। बाकी पतंगों में देखता हूँ मैं, इस पतंग में देखता हूँ, देखो दोस्तों इस पतंग में देखिए, ये देखिए यहाँ भी छेद कर दिया देखो इस तीली में, हवा से पतंग उड़ रही है। एक ये पतंग है, इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ देखो छेद कर दिया है। तो इस पतंग को जब मैं उड़ाऊँगा तो हो सकता है कि उड़ते उड़ते इस पतंग की तीली टूट जाए, ये देखिए, और नहीं उड़ाऊँगा तो भी ये धीरे धीरे तीली खा खा के बिल्कुल ही बर्बाद कर देंगे तीली को, और तीली एकदम टूट जाएगी, कागज़ रह जाएगा जैसे इसका हुआ है, तीली टूट गई। और एक पतंग ये देखिए, ये देखिए ये भी यहाँ से टेढ़ी हो गई, देखिए यहाँ से, कारण क्या है, इसको भी कीड़े ने खा लिया होगा यहाँ से। ये देखिए कीड़े ने खा लिया, तो बड़ा अफसोस हो रहा है दोस्तों मुझे। ये देखिए रामपुर की पतंगे हैं, ये रईस भैया की रामपुर, इतनी प्यारी पतंगे हैं, इनको मैंने उड़ाया भी नहीं और बिना उड़ाए ही ख़राब हो रही हैं। ये देखिए क्या प्यारा डिज़ाइन है। ये तीली अभी थोड़ी बची हुई है अभी, ये देखिए एक हल्का सा छेद हो चुका है इसमें, एक ये पड़ी हुई है, इसमें देखते हैं क्या है सीन। ये भी थोड़ी अभी बची हुई है। तो दोस्तों बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, और मैं इनको अब उड़ा भी नहीं पाऊँगा क्योंकि हमारे यहाँ पतंगें उड़नी बंद हो चुकी हैं। अब ये तो शायद अगले साल ही उड़ पाएंगे, अब तब तक तो इनका काम हो जाएगा, तीलियाँ तो हो जाएंगी ख़त्म, कागज़ रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें नई तीलियाँ लगाएंगे। पौने साइज़ की तीलियाँ मेरे पास अभी अवेलेबल तो नहीं है, तो छोटी पतंगों की तीली होती है यानी कि जो मझोली है वो तीलियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो उनको मैं हो सकता है जोड़ के पौने साइज़ की तीली बना दूँ कमान की, या अगर कहीं से पौने साइज़ की तीली मिल जाती है तो उसका इस्तेमाल करके मैं इनको दोबारा रिपेयर कर दूँगा। उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा कि इनको मैं कैसे ठीक करूँगा। बाकी बड़ा अफसोस हो रहा भाई, इतनी अच्छी पतंगे बिना उड़ाई ख़राब हो रही हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, आप भी अपने पतंगों का ध्यान रखें, और पतंगे पैक करते समय ज़रूर देखें कि कहीं उनमें कीड़ा तो नहीं लगा। अगर एक भी पतंग की तीली में कीड़ा लगा होगा तो वो धीरे धीरे करके सारी पतंगों में फैल जाएगा और सारी तीलियाँ बर्बाद हो जाएंगी। जब आप खोलेंगे तो आपको बड़ा अफसोस होगा, क्योंकि आपके पैसे बर्बाद होंगे, आपकी पतंगें सब बर्बाद हो जाएंगी। तो पतंगों को पैक करने से पहले ज़रूर देखें कि कहीं उनमें कीड़ा तो नहीं लगा, और अगर कीड़ा लगा है तो उन पतंगों को आप अलग रख दें। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी पतंग में भी कभी कीड़ा लगा है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपने क्या किया। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।